प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फरुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल हैं, जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण और जल भराव की समस्या के समाधान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ अतिवृष्टि की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए, नदियों के जलस्तर की सतत मॉनिटरिंग की जाए, प्रभावित जिलों में NDRF, SDRF, PAC तथा आपदा प्रबंधन टीमों को 24/7 एक्टिव मोड में रहें। आपदा प्रबंधन मित्र सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की आवश्यकता अनुसार सहायता ली जानी चाहिए, इन्हें विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाए। नौकाएं, राहत सामग्री आदि के प्रबंध समय से कर लें। बाढ़ अतिवृष्टि से पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर ना हो, प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ के दौरान और बाद में बीमारियों के प्रसार की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्वास्थ्य किट तैयार करके जिलों में पहुंचा दिया जाए। क्लोरीन, ORS, बुखार आदि की दवाएं जरूर हो। कुत्ता व सांप के काटने की स्थिति में प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सक की मदद मिलनी चाहिए। लोगों को बताया जाए कि बाढ़ का पानी कतई ना पिए, जब भी पानी पिए उबालकर छानकर पिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहत शिविरों में चिकित्सकों की टीम विजिट करें, हमें कोरोना के प्रति भी सतर्क रहना होगा। बाढ़ के दौरान जिन गांवों में जल भराव की स्थिति बनेगी, वहां आवश्यकता अनुसार पशुओं को अन्यत्र सुरक्षित स्थल पर शिफ्ट कराया जाए। इसके लिए जनपदों की स्थिति को देखते हुए स्थान का चयन कर लिया जाए। इन स्थलों पर पशु चारे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कंट्रोल रूम क्रियाशील रहे। बाढ़ आपदा की स्थिति में यदि जरूरत पड़ती है तो अस्थायी राशन केंद्र भी संचालित करने होंगे। खाद एवं रसद विभाग द्वारा इनके संचालन की व्यवस्था पूर्व से ही कर लिया जाए। बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राहत आयुक्त स्तर से खाद सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। राहत सामग्री का पैकेट मजबूत होए, लोगों को कैरी करने में आसानी हो। राहत शिविरों में पेट्रोमैक्स आदि के माध्यम से रात्रि में प्रकाश की उपलब्धता बनी रहे। प्रभावित क्षेत्रों में महिला बालिका सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ऐसे में पुलिस बल की सक्रियता आवश्यक है। फील्ड में तैनात कर्मियों के भोजन आदि की भी व्यवस्था रहे। बाढ़ अतिवृष्टि के कारण कृषि फसलों की क्षति की स्थिति में किसान को यथाशीघ्र राहत दिलाई जाए, क्षति का आकलन कराएं, तत्काल मदद पहुंचाएं। नदियों की ड्रेजिंग से निकली उपखनिज बालू सिल्ट की नीलामी में पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय से होना चाहिए। बालू नीलामी के कार्य का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए। नदियों के कैचमेंट एरिया में अवैध खनन कतई ना हो, ऐसा हर अपराध के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। नदियों के चैनलाइजेशन के लिए ड्रोन आदि नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए समय से कार्य योजना बना लेना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन लेते रहें। गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्ण करुणे सहित गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल के जिलाधिकारी भी मंडलायुक्त सभागार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित होकर अपने अपने जनपद की स्थिति से CM योगी को अवगत कराया। एक जैसे राज्य स्तर पर SDMA काम कर रहा है और SDRF की 3 यूनिट यूपी के अंदर काम कर रही हैं, NDRF हमारे साथ हर एक ऐसी किसी भी
चुनौतीपूर्ण समय में सहयोग करता है। ऐसे ही जनपद स्तर पर भी हमें जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करके उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आप इसमें एसडीएमए से और एनडीएमए के साथ भी सहयोग लेकर के इसका भी कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपदा ये केवल बाढ़ ही नहीं है, और भी किसी भी प्रकार की आपदा का सामना कभी भी हमें करना पड़ सकता है। उन स्थितियों में एक प्रशिक्षित मैन पावर आपके पास हर जनपद में होना चाहिए, सभी 75 जनपदों में। आपके पास हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, वो अलग विषय है कि बहुत सारे लोग रुचि नहीं लेते, अन्यथा नदी है या मिट्टी का जो पैसा रॉयल्टी के रूप में आता है, ज़्यादातर पैसा उसी में जाता होगा। हम हर जनपद में अपनी इनकम को और अच्छा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के साथ साथ हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हम उसको कैसे जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम को एक ठोस योजना बना करके पूरे जनपद को न केवल बाढ़ बल्कि किसी भी प्रकार की अन्य आपदा से पूरी तरह बचाव करने की स्थिति में जनपद स्तर स्वयं जिला अपने स्तर पर स्वावलंबी कैसे बने, इस दिशा में हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। और इसलिए हर जनपद में नियमित रूप से इसकी बैठक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, एसडीएमए है या एनडीएमए है, इन सब के साथ मिलकर के पीएसी होगी, पीएसी की फ्लड यूनिट होगी, उनके कमांडर के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, कमांडेंट के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी होनी चाहिए। संवेदनशील जितने भी तटबंध हैं उन तटबंधों का निरीक्षण सिंचाई विभाग या बाढ़ खंड से जुड़े हुए जो अभियंता हैं, जो कार्मिक हैं, उन्हें साथ में लेकर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां का स्वयं निरीक्षण कर लें, कार्यों की समीक्षा भी कर लें। जो अति संवेदनशील नहीं है, एक सामान्य श्रेणी के हैं, वहां पर भी उप जिलाधिकारी और डिप्टी एसपी को भेज करके उन क्षेत्रों में भी हम निगरानी रखें। हर जनपद में कंट्रोल रूम का गठन हो जाए। हम लोग कोरोना जैसी महामारी के समय में हम लोगों ने ICCC का गठन किया था, ये राउंड द क्लॉक काम करता था, 24 घंटे इस कार्य करता था, जिसमें हम लोगों ने कई टेलीफोन के कनेक्शन वहां रखे हुए थे, और उसके माध्यम से सूचनाएं लेना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, हर एक स्तर पर जानकारी लेने की एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म तैयार हो चुका था। कंट्रोल रूम हर जनपद का होना चाहिए, और उसी तर्ज पर हम लोग इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। आप इस उसमें न रहें कि हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आई है, हमारे जनपद में जल जमाव भी नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी नगर निकाय में, किसी भी वार्ड या मोहल्ले में भी नहीं, और हर एक स्तर पर इसकी जवाबदेही हम सुनिश्चित करवाएं। नाला नालियों की सफाई, ड्रेन आदि की सफाई, उन्हें डिसिल्ट करना, जो सिल्ट निकला है उसका निस्तारण कर देना, ये सभी कार्रवाई समय से आगे बढ़ जानी चाहिए। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इसको हम हर जनपद में करें। जिले के अंदर जिलाधिकारीगण थोड़ी भी रुचि ले लें, कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जल जमाव की, हर एक स्तर पर उसकी जवाबदेही तय करें, और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें जल जमाव से भी मुक्त रखना है, और बाढ़ से बचाव के लिए जो भी कार्यक्रम होने हैं, यद्यपि ये कार्य जनवरी फरवरी में शुरू हो जाने चाहिए, जनवरी फरवरी में नहीं हो पाए, अप्रैल से ही शुरू हुए हैं, अप्रैल में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, और हमारा प्रयास हो कि कल 30 जून है,
30 जून तक ये कार्य पूरे हो जाएं। देखिए मानसून अक्सर 15 जून तक उत्तर प्रदेश में आ जाता था, आज मानसून की पहली बारिश प्रदेश के अंदर कई जनपदों में हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए, हरेक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने अपने अल्प संसाधनों के माध्यम से कन्वर्जन के माध्यम से बड़ी से बड़ी चैलेंज को फेस किया है और उसको बेहतर मॉडल भी उसके प्रस्तुत किए हैं, हमें वही मॉडल इसमें भी प्रस्तुत करना है। 5 वर्षों में जो व्यवस्थित कार्य योजना प्रदेश के अंदर बनी थी, परिणाम है कि 40 जनपदों से यानी जो 26 जनपद अति संवेदनशील थे और बाकी 16 जो जनपद थे जो संवेदनशीलता की श्रेणी में थे, धीरे धीरे करके उनकी संख्या कम होती गई और आज प्रदेश के अंदर जब हम बाढ़ की स्थिति देखते हैं तो बरसात के दौरान विगत वर्ष काफी बड़े पैमाने पर बरसाती पानी आया था, सरयू में आया था, राप्ती में भी आया था, घाघरा में भी आया था, उधर गंडक में भी था, गंगा में था, यमुना में था, लेकिन इन सब को व्यवस्थित कार्य योजना को समय पे लागू करने का परिणाम था कि जनधन की हानि न्यूनतम हुई थी यूपी के अंदर। पहले से ही लागू की गई कार्य योजना की प्रभावी समीक्षा करना, उसका पर्यवेक्षण करना और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू हुए थे, आज उसके परिणाम हम सबके सामने दिखाई देते हैं। हमने नदियों को चैनलाइज करने के लिए ड्रेजिंग की, लेकिन ड्रेजिंग का कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम जो सेट वहां से निकले उसको सही ढंग से ऑप्शन करके उसको वहां से निस्तारित नहीं कर दें। और मुझे लगता है कि ये तो हमारे लिए प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा उपहार है कि जिसका आप उपयोग कर लेंगे तो आपके यहां इल्लीगल माइनिंग की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन जनपद स्तर को रुचि लेनी पड़ेगी, जिलाधिकारियों को माइनिंग विभाग के साथ मिलकर के इसके बारे में रुचि लेनी पड़ेगी, समय पे इस कार्य योजना को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर सिल्ट वहीं पड़ी रहेगी फिर वह नदी के ही उसमें चला जाएगा और उसी के पेट में जाएगा तो फिर नदी फैलेगी और जब फैलेगी तो उसके बाद समस्या खड़ी होनी है, बाढ़ तभी पैदा होता है, बाढ़ की समस्या तभी खड़ी होती है जब ये हम व्यवस्थित रूप से जो चैनलाइज के कार्यक्रम को हम सही ढंग से उसको लागू करने में जहां भी विफल है वहां पे इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए अब आपके पास समय नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर संभव हो सकता है तो इस पे अनिर्णय का शिकार न बन करके समय से इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और अगली कार्य योजना को भी अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। उन संभावित क्षेत्रों को पहले से चिन्हित कर लेना चाहिए कि जहां पे हमें नदी को चैनलाइज करना हो, जो तटबंध के नजदीक हो, गांव के नजदीक हो, वहां पर नदी का अपना एक निश्चित कैचमेंट एरिया होता है लेकिन कैचमेंट एरिया पर जब भी अतिक्रमण होता है तो नदी वहां से दूर भागती है और जब नदी दूर भागती है तो उसके बाद फिर नई आबादी उसकी चपेट में आती है, उसके कारण जनधन की हानि उसके कारण होती है। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि नदी के कैचमेंट एरिया पे किसी भी प्रकार की इल्लीगल माइनिंग न होने दें। मैं देखता हूं कई जनपदों में नदी के कैचमेंट एरिया से लोग मिट्टी निकालते हैं, वहां पे इल्लीगल माइनिंग करने लगते हैं या वहां पर अन्य ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसके कारण नदी के कैचमेंट एरिया के साथ खिलवाड़ होता है और फिर वह बाढ़ को आमंत्रित करता है और उसके कारण भी जनधन की हानि होती है।
हम इस बात को देखें कि इसको हम हर हाल में हर जनपद इसको रोकें, और ये हर जनपद का दायित्व बनता है कि हम लोग अपने यहाँ इल्लीगल माइनिंग को किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने न दें, उसको हर हाल में रोकें। जो माइनिंग एक सिस्टम के साथ जुड़ करके शासन की सहमति से और बकायदा नियमों के अंतर्गत हो रहा है, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए कार्य आगे बढ़ा देंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जो भी कार्य योजना बनी है उसकी क्वालिटी की जांच, तटबंधों की संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता और संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके जो कार्य योजना बनाई गई है, सिंचाई विभाग ने पिछले 5 वर्ष के अंदर बेहतर तकनीक को अपना करके बाढ़ बचाव के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, बाढ़ निरोधक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। हर जनपद जो भी बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील है वे इसे वहां पर लागू करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के ऊपर आएगी, लेकिन अन्य जिन विभागों की चर्चा यहां पर अभी मैंने की है, ये सभी विभाग जनपद के अंदर भी होंगे, जनपद के अंदर भी इनके साथ बैठ करके जिलाधिकारी जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ भी बेहतर संवाद बना करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कार्य योजना जो बनाई गई है वह व्यवस्थित रूप से लागू हुई है या नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि हम बाढ़ आने का इंतजार कर रहे हैं तब आप नाव की व्यवस्था करेंगे, बाढ़ आने का इंतजार करेंगे तब आप चारे का जो चारे के लिए तब आप टेंडर निकालेंगे। ये सारी कार्ययोजना आपके पास पहले से होनी चाहिए। अगर बचता भी है तो जब आपके पास निराश्रित गौआश्रय स्थल है आप वहां उनको बेच दीजिए, बाद में उनकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपके पास हमेशा एक स्टॉक इस प्रकार का होना चाहिए जहां पर आप पर्याप्त मात्रा में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्यान्न और राहत पैकेट बनाने की व्यवस्था के साथ साथ जो वहां पर बाढ़ के कारण जिन पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई होगी उन्हें आप पर्याप्त मात्रा में उनके लिए भी चारे की व्यवस्था दे सकें, और इसे हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि बाढ़ एक आपदा है, आपदा के कारण जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने की हमारे स्तर पर प्रयास होने चाहिए, और ये हर जनपद अपने अपने स्तर पर इस कार्य योजना को बनाकर के लागू करने की तैयारी कर लें। बाद में इसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद हम इंतजार करते रहते हैं कि जब शासन से कोई कहेगा तो हम राहत पैकेट बांटेंगे। मुझे लगता है कि अगर बाढ़ आ गई है, गांव मेरुंड हो चुका है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ितों का हम भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा दें। अगर आपको लगता है कि गांव को वहां से हटा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है तो हमें उन्हें सुरक्षित स्थान पर किसी सार्वजनिक भवन में सुरक्षित स्थान पर रखने की वहां पे पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। पीड़ितों में खासतौर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा का उचित प्रबंधन करना चाहिए। कुत्ता या कोई जंगली जानवर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग को नुकसान न पहुंचाने पाए, इसकी भी एक वहां पे व्यवस्था देख लेनी चाहिए। लोगों को पहले से ही इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। अगर ये सभी कार्यक्रम सभी विभाग मिलकर के अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएंगे तो फिर बाढ़, जैसे हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर व्यवस्थित कार्य योजना के माध्यम से उस पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही हम लोग इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा को प्रभावी ढंग से रोकने में हमें मदद मिल सकती है। डेजिंग की जो कार्रवाई एल्गिन चरचरी डैम के पास हुआ है, तटबंध के पास होता है, जो बस्ती के पास हो रहा है या जो अन्य जनपदों में
जो कार्य हुए हैं हमें देखना चाहिए कि हम अन्य क्षेत्रों में भी अभी से सर्वे करके बाढ़ के दौरान ड्रोन से सर्वे करके या सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से भी हम इन चीजों को चेक कर लें कि हमें बरसात के तत्काल बाद भी कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर हम इन कार्यक्रमों को लागू करते हुए नदियों को चैनलाइज करने की व्यवस्था अभी से प्रारंभ कर लें जिससे कार्य समय पर आगे बढ़ सके, अन्यथा मई जून में कार्य योजना बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कार्यक्रम आपके अक्टूबर नवंबर से ही बनते हुए दिखाई देने चाहिए जिससे अप्रैल आते आते बाढ़ बचाव के सारे कार्यक्रम आप लागू कर सकें। जिन्हें परमानेंट बाढ़ बचाव के कार्य जहां होने चाहिए वे कार्य योजनाएं अलग होनी चाहिए, जो टेम्परेरी होनी है वो अलग से बननी चाहिए, और जो मीडियम उससे जुड़ी होंगी, जो तात्कालिक रूप से कुछ प्रभावी होनी है, जिनको उसका प्रभाव पड़ भी सकता है नहीं भी पड़ सकता है, एक सामान्य वे में हम लोग बचाव के लिए करते हैं, इन सभी को हम लोग अगर एक कार्य योजना बना करके प्रभावी ढंग से लागू करेंगे तो जनप्रतिनिधियों को भी समय समय पर माननीय सांसद माननीय विधायक को इसका विजिट करवाएंगे तो काफ़ी बड़ी जो कभी कभी क्षति हो जाती है बाढ़ के कारण, तो उससे हम अधिक से अधिक लोगों को राहत देने में सफल हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो कार्य योजना यहाँ पर तैयार करनी यहाँ पर आप लोगों के स्तर पर तैयार की गई है, आप अभी से इसकी कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी भी करेंगे। हर जनपद में कंट्रोल रूम बन जाए, वहाँ पर बाढ़ बचाव से जुड़े हुए विभाग और पुलिस विभाग संवेदनशील अति संवेदनशील स्थलों पर पेट्रोलिंग की प्रभावी व्यवस्था भी करें, जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्रों हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी रखें, जहां पर पीड़ित परिवार आए उन्हें समय पे खाद्यान्न के साथ साथ ताजा भोजन भी मिलना चाहिए, और हम ये बात भी सुनिश्चित करें कि वहां पे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था लाइट आदि की व्यवस्था भी रहे जिससे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था उन क्षेत्रों में किया जा सके। बाढ़ का पानी जब बहुत बड़े क्षेत्र में घुसता है तो सांप और अन्य विषैले जीव भी वहां से निकलेंगे, वे भी तटवर्ती क्षेत्रों में अपना निवास बनाते हैं, वहां पर बहुत बार जहरीले कीड़े लोगों को काटते हैं, पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हमें उनके बचाव की भी तैयारी उस दौरान देखनी होगी, उसके बारे में भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर लेंगे। मेरा तो ये मानना है बाढ़ ऐसी आपदा नहीं है कि इससे जनधन को हम न्यूनतम स्तर पर न ले जा सकें, ले जाया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में हमने काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की, लेकिन समय से बनाई गई कार्य योजना का ही परिणाम सामने आएगा। बाढ़ आ जाएगी उसके बाद हाथ पैर मारेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पहले से ही हम कार्य योजना आज के दिन पर अभी बचाव के बारे में हम फोकस करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए कि हमें अभी से बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से आगे करने की तैयारी इस रूप में करनी है, और ये चीजें अगर आप व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा लेंगे तो मुझे लगता है काफी बड़े पैमाने पर कभी कभी जो जनधन की हानि होती है इसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को लागू करेंगे और अपने अपने जनपद में जिलाधिकारियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी संबंधित विभाग मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को ध्यान में रखेगा कि बाढ़ से संभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ वहां पे क्लोरीन की गोलियों का वितरण होता है, वहां पर सांप या कुत्ते के काटने के कारण जो एंटी स्नेक वेनम है या एंटी रैबिज वैक्सीन है इसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हर CSC और अन्य डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी पर्याप्त उपलब्धता भी होनी चाहिए। जिलाधिकारीगण संबंधित CMO और CMS के साथ संवाद बना करके इस पर आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। अवेयरनेस के कार्यक्रम अभी से चले, आपदा राहत मित्र
योजना चली है भारत सरकार के माध्यम से, आपदा राहत मित्र के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, इन कार्यक्रमों को भी हमें देखना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं, जल जनित तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, हमें क्या करना है, बाढ़ बचाव के दौरान लोगों को क्या हो सकता है, पेयजल की आपूर्ति हो सकता है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति ना हो पाए, क्या वो पानी वैसे पी लें या वैसे छान के पी लें, अगर गर्म करके छान के पिएंगे तो कोई भी डायरिया हैजा आदि कोई बीमारी नहीं होगी, चर्म से जुड़े हुए कोई चर्म रोग नहीं होगा, लेकिन हम वहां पे इन कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत कराएं तब ना। दूसरा, जब बाढ़ का पानी उतरता है या बाढ़ के दौरान भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि चिकित्सकों की टीम नियमित विजिट करे वहां पर, हम निरंतर इसके बारे में तैयार करें। कोरोना से बचाव के लिए भी हमें उपाय वहां पे करने होंगे, क्योंकि पहले से बाढ़ की पीड़ा झेल रहा है, इधर कोरोना अलग महामारी है, तो इन सब के बारे में भी हमारी वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य जितने भी विभाग हैं, कृषि है, खाद्य एवं रसद है, पशुपालन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, गृह है, ये सभी विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग को इन चीजों को देखना होगा कि वहां पे पावर सप्लाई तो नहीं हो पाएगी बाढ़ के दौरान, लेकिन पेट्रोमैक्स और जेनसेट आदि की व्यवस्था हम लोग वहां पे कर सकते करें, या काम विभाग के स्तर पर ही होना है, खासतौर पर सिंचाई विभाग की जहां चौकियां होंगी, बाढ़ चौकी होंगी, वहां पे पेट्रोमैक्स की व्यवस्था, राहत कैंपों में, शिविरों में प्रयास होना चाहिए कि राहत शिविर स्कूल की बिल्डिंग में या उस दौरान कोई खाली पड़े पक्के भवन और अच्छे भवन में ही हम इन चीजों को करेंगे। ऐसा ना हो कि आप उनके लिए टेंट लगाना प्रारंभ करें और बाद में उसके कारण भी समस्या खड़ी हो। सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इन चीजों को भी ध्यान में रख करके ये चीजें हमें आगे बढ़ानी होंगी। और जैसे विगत वर्ष हम लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में बरसात होने के बावजूद जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में मदद हमें सहायता मिली थी, इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की जनधन की हानि को हम लोग नियंत्रित करने में सफल होंगे, ये हम सबको मिलकर के करना होगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसको नेतृत्व देंगे, शासन स्तर पर कंट्रोल रूम की निगरानी राहत आयुक्त के माध्यम से निरंतर हो, SDMA उनका सहयोग करें वहां पर, और हमारी सभी टीमें अभी से पहुंच जाएं उन क्षेत्रों में जहां पर बाढ़ की पहली आहट होती है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, ये जो जनपद हैं, इन जनपदों में अभी से हमारी तैयारी उसे आगे बढ़ाने के लिए हो जानी चाहिए, और वहां पर नियमित प्रैक्टिस करके हम लोगों को एक भय से पहले से मुक्त करने की तैयारी भी करें। जो जवान या जो स्वयंसेवक कार्य में लगते हैं उनके लिए समय पे लंच पैकेट उपलब्ध हो जाए। अक्सर होता है कि 12 घंटे वे काम कर रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुनिश्चित करें कि फील्ड में तैनात जवानों को समय पे भोजन आदि जो भी दिया जाना है वो पैकेट ताजा और सही भोजन उन्हें समय पे प्राप्त हो जानी चाहिए। बाढ़ बचाव के उपायों के लिए अन्य जो भी प्रयास होने हैं जिन भी विभागों के स्तर पर, शासन ने समय समय पर उस प्रकार के निर्देश जारी किए हैं, हम उसे प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी करेंगे, ये मुझे आज के यहाँ पर आपसे कहनी थी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 5 वर्ष के अंदर के सफल मॉडल के बाद सिंचाई विभाग और अन्य विभाग मिलकर के इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा को नियंत्रित करने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं आपके साथ में हुई, मेरे आप सबके प्रति शुभकामनाएं भी हैं। धन्यवाद जी।